तो लेट अस सपोज आपके पास एक वॉल है, एक दीवार है, ये रही। तो ये एक वॉल है, बनाते रहो साथ साथ, ठीक। एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है। ये बॉल का जो मास है, मान लें 1 kg की बॉल है, मूविंग विथ 5 m/s, ठीक। दीवार को हिट करने आ रही है, हिट करती है, हिट करके वापस चली जाती है विथ सेम वेलोसिटी 5 m/s, 1 kg की बॉल, ये रही। दीवार के साथ ये 0.1 सेकेंड के लिए ये कांटेक्ट में रहती है। आपको बताना है फोर्स की वैल्यू क्या है, दीवार ने वॉल पे क्या फोर्स लगाई, ये क्वेश्चन है। बहुत फेमस है ये, बहुत आता है, कुछ है इसमें खास तभी आता है। तो ये बताओ फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है, एवरेज फोर्स निकाल लो। चलो एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स क्या होती है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। बोलो चेंज इन मोमेंटम क्या है, आने का मोमेंटम 5 × 1 = 5, जाने का मोमेंटम 5 × 1 = 5, चेंज इन मोमेंटम 0। बोला तो मेरा नाम मत लेना, या मत पढ़ते बोला था मैंने। अब तुम कहोगे 2 × 5 × 1 ना, अगर ये वो सेम क्वेश्चन होता है तो तब लगता है जब रीबाउंड होके स्ट्रेट बॉल वापस आती है या एंगल पे है। कॉम्पोनेंट्स लेने पड़ेंगे, कॉम्पोनेंट्स लेने पड़ेंगे, लगेगा ध्यान से देखो कैसे। तो तुम 0 तो बिल्कुल ना बोलना, तो तुम इसमें 2 टाइम भी ना बोलना, ये वो क्वेश्चन नहीं है। तो तुम एक काम करना, इसमें डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम क्या ड्रॉ करना है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, ठीक। और ये बॉल का इनिशियल मोमेंटम है, ये रहा, मैंने वेक्टर को डायरेक्शन में थोड़ा आगे ले गया मैं, तो इसका मोमेंटम कितना है 5 × 1 = 5, पी की वैल्यू कितनी है यहां पर 5, मोमेंट मोमेंटम की वैल्यू इसमें 5 है, गिरने लगा था अभी यार। मोमेंटम की वैल्यू इसमें 5 है, सही है, इनिशियल मोमेंटम। और ये क्वेश्चन में गिवन है ये एंगल कितना है 30, और ये भी 30 गिवन है। तो इनिशियल मोमेंटम 5 है और फाइनल मोमेंटम भी 5 है, सही है, 5 और 5 है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका एक कंपोनेंट यहां बनेगा इनिशियल मोमेंटम का और एक यहां बनेगा। बोलो क्या बनेगा इसमें, ये 30 तो ये भी 30 है, तो क्या बनेगा 5 cos 30, 5 sin 30। तो मोमेंटम क्लियर है, इनिशियल मोमेंटम क्लियर है, 5 cos 5 sin क्लियर है, ये बनोगा, ठीक है। फाइनल मोमेंटम के भी कंपोनेंट्स हैं, ये आपका फाइनल मोमेंटम है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ग्रीन कलर में बना रहा हूं मैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इसमें जो मोमेंटम की वैल्यू है वो कितनी है 5 cos 30, थीटा के साथ 30, और ये 5 sin 30, ठीक है ना। तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के कंपोनेंट्स निकल गए, ठीक। देखो मेरे पास तो ये पेन है जो काम की चीजें रखेगा, बाकी हटा देगा, आपको नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहां तक सबने बना लिया, काम की चीज, क्योंकि मैंने कंपोनेंट्स बना लिए, मेरे को ये चाहिए ही नहीं है, मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं अपना काम किस पे करूंगा, कंपोनेंट्स पे करूंगा, ये लो, ठीक है, मैं अपना काम कंपोनेंट्स पे करने वाला हूं, ये मुझे चाहिए ही नहीं है कुछ भी। तो आप नया डायग्राम बना सकते हैं इसमें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, ये लो जी, ठीक हो गया। तो रेड कलर के इनिशियल मोमेंटम के कंपोनेंट्स हैं और ग्रीन कलर के फाइनल है। तो इसमें अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि एक्स में भी मोमेंटम है और वाई में भी, तो यहां पर दो दो फोर्सेस निकलेंगी एक्स में भी और वाई में भी। जो एक्स की फोर्स निकलेगी वो निकलेगी चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय टाइम, और जो वाई की फोर्स निकलेगी वो चेंज ऑफ मोमेंटम वाई एक्सिस में डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि एक्स में अलग है मोमेंटम, वाई में अलग है मोमेंटम। तो यहां पर दो दो फोर्सेस निकलेंगी, एक्स में अलग निकलेगी, वाई में अलग निकलेगी, इकट्ठी नहीं निकलेगी। मोमेंटम एक्स वाई प्लेन में है तो फोर्स भी एक्स वाई प्लेन में है,
ठीक है यहाँ तक। और बस आखिरी में मुझे जाते हुए ये बता जाओ कि इसके अंदर वाई के अंदर बोलो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है। वाई के अंदर ये पहले देख लो फिर लिख लेना, वाई के अंदर इनिशियल मोमेंटम क्या है 5 cos 30, फाइनल क्या है 5 cos 30, तो चेंज क्या है 5 cos 30 माइनस 5 cos 30 डिवाइडेड बाय कॉन्टैक्ट टाइम 0.1, तो आंसर क्या आएगा 0। लेकिन जब मैं एक्स में निकालूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देख लो पहले एक्स में इनिशियल मोमेंटम क्या है, ये रहा, फाइनल क्या है, ये रहा, चेंज निकालूं 5 into sin of 30 माइनस 5 into sin 30, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो एक राइट है एक लेफ्ट है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें शॉर्टकट भी लग सकता है 2mv 2 टाइम मोमेंटम 2mv अपॉन टाइम, क्योंकि रीबाउंड होके जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे। ये आंसर है इसका, इसमें जीरो है इसमें है, ये स्टेप समझ में आया, वाई एक्सिस में जीरो है और एक्स एक्सिस में फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जो कि इसमें नेगेटिव होगा।